हेलो फ्रेंड्स, आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर किस प्रकार मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं? जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा? आपको मैक्सिमम कितना मार्जिन मिलेगा? आप डिलीवरी में कितने दिन उसको होल्ड कर सकते हैं? आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? उसके बाद आपको शॉर्टफॉल का मैसेज कैसे आता है? आप उसके ऊपर पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ती है, कितने शॉर्टफॉल के अमाउंट में? तो आपके सारे डाउट रिलेटेड टू मार्जिन ट्रेडिंग इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कम्प्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, डिलीवरी, इंट्राडे एंड पे लेटर। पहले क्या था कि पहले हमारे पास दो ऑप्शन आते थे, डिलीवरी एंड इंट्राडे। हम डिलीवरी के अंदर ही मार्जिन ट्रेडिंग करते थे, बट इस टाइम चेंज हो चुका है। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। अगर आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करनी है आप इस पर क्लिक करेंगे, इंट्राडे आपको करनी है तो आप इस पर क्लिक करके कोई भी स्टॉक को बाय करेंगे। अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो आपको पे लेटर पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप बाय कन्फर्म करेंगे। तो आप इस तरह मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसमें आपको कितना मार्जिन मिलता है? एंजल ब्रोकिंग के अंदर मैक्सिमम 5x, मतलब कि 5 गुना मैक्सिमम मार्जिन मिलता है। यह 5 गुना कितना होगा? आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो टोटल आप 5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा 1 लाख आपके होंगे और 4 लाख रुपए मैक्सिमम। ये डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक आप बाय करना चाहते हैं, ये एंजल ब्रोकिंग की क्लाइंट साइड से आपको मार्जिन मिलेगा। बट इसमें कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया है कि आप कितने तक होल्ड कर सकते हैं, क्या कुछ है। जो 5x आपको लिवरेज या मार्जिन बोलते हैं ये मिलते हैं, ये मिलती है डिपेंड ऑन स्टॉक्स। एक कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, जो एक कैटेगरी के स्टॉक है इसमें आपको 5 गुना मैक्सिमम अप टू 5x, मतलब 5 गुना के आसपास आपको मार्जिन मिल जाएगा। उससे बाद आप जिस तरह नीचे थोड़ी सी कैटेगरी में आएंगे, टाटा पावर, SBI, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स के अंदर आपको मार्जिन मिलेगा 4x। 4x का मतलब आपको पता है कि 1 लाख आपके अकाउंट में होंगे तो आपको मैक्सिमम 4 लाख तक मिलेगा, जिसमें आपको 3 लाख क्लाइंट साइड से और 1 लाख आपका होगा। इसी तरह आपको डिपेंड करें आप कौन सी कैटेगरी के स्टॉक्स को बाय करते हैं। आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं? जब आप किसी स्टॉक को मार्जिन में बाय करेंगे, बाय करने के बाद दो तरह के होल्डिंग पीरियड्स होते हैं। सबसे पहले 7 डेज, सेकंड आपका 90 डेज। जो 7 डेज होते हैं या मार्जिन ट्रेडिंग बाय करने के बाद आप इसको 7 दिन तक रख सकते हैं। इसमें आपको कोई प्लेज करने की ज़रूरत नहीं, कोई अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप 7 डेज तक आप इसको रख सकते हैं। बट अगर आपको 90 डेज होल्ड रखना, मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा आपको होल्ड करना है, तो उसके लिए आपको स्टॉक को प्लेज करना पड़ेगा। ये प्लेज आप किस टाइम करेंगे? जब आप जिस दिन आप स्टॉक को बाय करेंगे, बाय करने के साथ ही विद इन 24 आवर्स, मतलब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने से पहले आपके पास एक लिंक आएगा। जो जो आपके स्टॉक्स मार्जिन में ट्रेडिंग में अपने बाय करे होंगे, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके स्टॉक वो शो हो जाएंगे। उन पर आप टिक मार्क करके OTP सबमिट करेंगे तो आपका वो स्टॉक प्लेज हो जाएंगे। प्लेज का आपको चार्ज पे करना पड़ता है। एक बार आप स्टॉक को प्लेज करेंगे, चाहे एक स्टॉक को प्लेज करें या दो स्टॉक्स को प्लेज करें, 23.65 रुपीज़ आपको पैसे पे करना पड़ेगा। ये 23.60 रुपये आपका प्लेज का चार्ज लगता है। अगर आप मान के चलते हैं कि आपने आज स्टॉक्स मार्जिन ट्रेडिंग में बाय करें, बाय करने के बाद आपने उन स्टॉक्स को प्लेज नहीं करा, आप चाहते हैं कि मैं उसको 2-3 दिन के बाद, आपका डिसीजन ये होगा मुझे ज़्यादा नहीं होल्ड करना, उसको मैं प्लेज कर दूँ, आप उस टाइम नहीं कर सकते। आपको ये डिसीजन कि 7 दिन होल्ड करना या 90 डेज, स्टॉक बाय करने के साथ ही उसी दिन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मुझे 7 दिन से ज़्यादा रखने, तो आप उसको प्लेज कर देना, नहीं तो आप उसको प्लेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड कंडीशन ये आती है, आपने स्टॉक्स को प्लेज कर दिया, अनप्लेज किस टाइम करना पड़ता है? आप स्टॉक को अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मान को 20 दिन के बाद स्टॉक्स को सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो स्टॉक अनप्लेज हो जाता है। आपको अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाएगा। प्लेज आपको करना पड़ेगा या आपका डिसीजन होगा किसने आपको प्लेज करना है। आपको पता चल चुका है कि आपने लिवरेज कितनी मिलती है, आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको कि इसके अंदर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है 1,50,000 रुपीज़। आप एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आपने टोटल 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी, तो 1 लाख आपका माइनस करने के बाद 4 लाख आपने टोटल यूज करा, 4x, तो 4 लाख पे आपको 200 रुपये पर डे आपका इंटरेस्ट लगेगा, 1,50,000 रुपये। और ये इंटरेस्ट किस टाइम डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से? 15 दिन का टोटल मिला के 1 तारीख से 15 तारीख तक का, तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक जो आपके अकाउंट में फंड होगा उसमें आपका डिडक्ट हो जाएगा ये। और ये किस टाइम से लगना शुरू होता है? T+2 डेज तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, 3रे दिन से लगना शुरू होता है। अब 3रे दिन कौन सा होगा? टी मतलब जिसने आपने ट्रेडिंग करी, अगले 2 दिन, ये 3 दिन मिला के आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 4थे दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा।
अब टी प्लस 2 डेज आपको पता चल चुका है कि उसके बाद मैसेज आता है कि आप शॉर्टफॉल और पेनल्टी कैसे पे करनी पड़ती, कितनी कितनी हमारे पास लगती है। शॉर्टफॉल का मैसेज उस टाइम पे आता है कि आपने स्टॉक्स को 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में थे, आपने 5 लाख टोटल मैक्सिमम आपको लिमिट मिलती है, आपने 5 लाख रुपये की ट्रेडिंग कर लिया, आपने ऑल मार्जिन यूज कर लिया, अगले दिन वो स्टॉक 5% डाउन चला जाता है, तो 5 लाख का जो 5% बनेगा 25,000 वो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए पे करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में जो लिमिट थी आपने फुल यूज़ कर ली उसको, क्लाइंट साइड से वो भी आप लिमिट यूज कर चुके हैं, बट वो स्टॉक 5% डाउन चला गया, जो माइनस में लिमिट शो हो रही है 25,000 वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसका आपका शॉर्टफॉल का मैसेज आएगा, वो किस टाइम पे आता है, वो जिस दिन आपके पास माइनस का मैसेज शो होगा तो ऑटोमेटिक उस टाइम के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपको इतने अमाउंट 25,000 ये जो अमाउंट होगी आप इसको पे करें विद इन 1 डे या 2 डेज जो टाइम होता है टाइम लिमिट, या फिर आपके इसी अमाउंट के जो स्टॉक्स होंगे ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएंगे। अगर आपने टाइम लिमिट तक अमाउंट पे नहीं करी उसके बाद ऑटोमेटिक आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे। ये होता है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल में कुछ पेनल्टी लगती है, वो डिपेंड करता है कितने अमाउंट का शॉर्टफॉल है और फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। आप ये आप अपने एंजल वन के जो आपके ब्रोकर वो है मतलब ऐप है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। आपको फिर भी कोई डाउट है आप चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे साथ BTST ट्रेडिंग और निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वीडियो जो आप देख सकते हैं। थैंक यू।